200 या 250 है तो ऐसे ही बता दूंगा मैं, 250। ये 600 रुपए के चप्पल है, ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। वो जो बचपन में नहीं हम लोग लेस वेस लगाते थे ड्राइंग में, ये वो उसके इसके 600 रुपए भर दिए यार। हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नो कि मैंने चैनल का नाम बदल दिया है। सो सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वॉन्ट टू कीप अ डिफरेंट नेम, समथिंग कैची, एंड अचानक से मेरे दिमाग में ये नाम आया एंड आई वेंट अहेड एंड आई चेंज्ड माई नेम फ्रॉम शिप्रा सिंह टू द चीप चिक। रीजन बींग बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रमोट मोर ऑफ यू नो अफोर्डेबल एंड इनएक्सपेंसिव स्टफ्स एंड इनएक्सपेंसिव स्टाइलिंग। सो आई थॉट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट name for my channel, so I hope you guys like it. Let me know in the comment section if you guys like the new name or if you guys have any suggestions, they are most welcome. So coming to today's video, this is my brother. Hello. So aaj ke video mein hum footwear haul type karne wale hai with a little twist. So twist ye hone wala hai ki मैं अपने भाई को अपने फुटवेयर दिखाऊंगी एंड ही इज गोइंग टू गेस द प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस। ओके, रेंज भी नहीं बताना है? हाँ, रेंज नहीं चलेगा? नहीं, रेंज नहीं चलेगा, 100 से 200। नहीं तो फिर मुझे सब पता होगा। नहीं, वो एग्जैक्ट प्राइसेस गेस करेगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फुटवेयर एंड देखते देखो एग्जैक्ट प्राइस बताना है। 10-15 रुपए ऊपर नीचे चलेगा। अच्छा, सो दीज आर द फर्स्ट पेयर ऑफ फुटवेयर्स। नहीं लिखा है इसमें कभी प्राइस, नहीं लिखा है ना आपको। तो ये मैंने चैंबर कैंप से खरीदा था, तू भी सुन ले। और ये मैं ऐसे ही नॉर्मल इंडियन वेयर पे पहनने के लिए ऐसे खरीदा था, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर इंडियन कैजुअल टाइप कुछ नहीं था। सो आई हैवंट वोन दिस अलॉट बिकॉज ये मैंने एकदम 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 रिसेंट वाला है, बट सुनर लेटर नहीं। ठीक है, अब मिलन इसका प्राइस गेस करके बताएगा। देखने से तो ये 100 रुपए से ज्यादा का ही लग रहा है, और मैक्सवेल तो कोई ब्रांड भी नहीं है, या है तो मुझे पता नहीं है। तो 700-800। क्या 700? सच्ची? हाँ। तुम्हें लग रहा है मैं इतना महंगा जिंदगी में कभी खरीदूंगी चप्पल? पता नहीं है सर, देख के लग रहा है, पर उतना भी महंगा नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा चीप हो गया। कितने का है फिर? तो बता दू? बता, मुझे तो लग रहा है ये 70 रुपीज का है। ओह, ओनली 10 times मोर। 700-200 okay. ठीक है, सो दीज आर फॉर 70 bucks। और इसका पहला आंसर बहुत गलत था। तुम्हें सच्ची में तुझे कैसा लगा कि मैं 700-800 का चप्पल खरीदा? यार मुझे लगा मैं साथ में गया था ना एक बार लेने के लिए, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे लगा उसमें तो कोई सस्ता था, बता नहीं जा रहा ये। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इज ये टाई ऑन है, पूरा ऐसे लेस जैसा ऊपर की तरफ ये बनता है, बट इसे मैंने कभी नहीं पहना है, बहुत ही मुश्किल से कभी पहना, क्योंकि ये जो इसका नॉट है ये पहनने के बाद अपने आप लूज होता रहता है, विच इज नॉट कम्फर्टेबल, बट लेट्स सी। मैं हैव अ लुक। ये तो बहुत इसको लेके बहुत टाइम हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मैंने लेकिन इसे पहना नहीं है। हाँ, तो उतना पहना नहीं है ना, तो मेरे को लगता है ये 150-200। हाँ ठीक है, रेंज नहीं बताना है लेकिन प्राइस बता। 150 या 200? 160। नहीं, दिस इज एग्जैक्टली फॉर 200 रुपीज, सो क्लोज बट नॉट वेरी मच क्लोज। ओके, अभी ओके, नेक्स्ट अप इज दिस। दीज आर माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट फुटवेयर, क्योंकि यार और इसका ऊपर का ये जो लेदर है, इट इज वेरी सॉफ्ट, द सोल इज वेरी सॉफ्ट एंड इट इज सो मच वर्थ द प्राइस। आई एम वेयरिंग इट रेगुलरली लाइक अ रेगुलर फुटवेयर एंड इट्स अमेजिंग।
लेट हिम गेस नाउ. चलो ठीक है, आई गिव हिम फॉर द प्राइस. दिस इज ऑल्सो फॉर 200 रुपीज. और ये वाला और ये वाला भले ही 3-4 साल का गैप है दोनों के बीच, और मैंने लिया एक ही शॉप से है. इफ यू गाइज हैव बीन टू हिल रोड, तो हिल रोड पे एक अंकल ऐसे ढेर सारे चप्पल लेके बैठता है, तो वहां से मैंने लिया है. बट उनके चप्पल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. सो इफ यू गाइज एवर गो टू बांद्रा हिल रोड, प्लीज चेक आउट द कलेक्शन. ओके, नेक्स्ट. अंकल का शॉप नंबर एड्रेस भी कम है. शॉप नंबर नहीं है, वो बस से नीचे जमीन पे से बहुत ढेर सारा सामान लेके बैठते हैं. अगर आप जाओगे तो वो बहुत कैची है, आप पहुंच जाओगे वहां पे. ओके, नेक्स्ट इज दिस. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मोची. और आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस चप्पल, बट फर्स्ट लेट्स सी व्हाट्स द प्राइस. मोची ये भी 1250-1300 का होगा, या 1200-1300 का होगा, 1400 का होगा, 1400 का होगा. मुझ हजार से 1500 के बीच में. आई मीन ओके, सो ये जो चप्पल है ये कुछ 754 या 755 का है. विच एक्चुअली इसका ओरिजिनल प्राइस है 1600 के आसपास, बट आई गॉट इट ऑन सेल. But I would never ever recommend anybody to go ahead and buy these. I don't know if it's the problem with the brand or it's the problem with one particular footwear that I have bought. Iski quality bahut zyada bekar hai. It's not even been a month that I have purchased it. Or within 7 days, iska ye jo velvet ka finishing hai ye nikalne laga. Iska in fact ye belt tak toot gaya tha. So I was very disappointed. And I was like, yaar isse acha to main wo 200 rupaye ke chappal khareed leti to wo zyada tikao the. But this it did not work good for me, but it's comfortable but not good. So much sad story. ठीक है, but इसका भी price उन्हें गलत बताया. मैंने original price बताया ना, तूने sale में खरीदा तो मुझे मिल गया. पर मुझे लग रहा है मुझे sale की quality का ही दिया है वो लोगों ने. ठीक है, next up is another pair of heels, जो भी मैं बहुत rarely पहनती हूँ. अब ऐसे semi formal, semi casual, semi Indian जो बुलाना है बुला लो. ये बहुत famous थे जब मैंने इन्हें खरीदा था, you know that those belt वाले. But let's see, इसको भी काफी time हो गया. कुछ तो guess कर यार, पैसे दे के लिए मैंने. 300-350 के बीच में ऐसा लग रहा है. हाँ करेक्ट है. तो ये मैंने 300 के लिए थे, उसने मुझे कुछ 1250 कोट किया था बांद्रा लिंकिंग रोड में, एंड देन आई बागेन एंड देन फाइनली 300 के लिए लिया है. एंड आई थिंक 300 के लिए यार ये बहुत अच्छा है कम्पेयर टू व्हाट दैट मोची वाला चप्पल इज. दिस इज वेरी नाइस एंड इट्स नॉट वेरी कम्फर्टेबल, बट एक दो घंटे अगर आपको कहीं पे पहन के रहना हो तो इट इज अमेजिंग. इट्स गुड, इट्स गुड, थम्स अप. सो नेक्स्ट, दिस गोल्डन इंडियन फुटवेयर. अरे 200-250 ये तो ऐसे ही बता दूंगा मैं. 250 ये 600 रुपए के चप्पल है. ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे. वो जो बचपन में नहीं हम लोग लेस वेस लगाते थे ड्राइंग में, ये वो उसके इसके 600 रुपए भर दिए यार. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माय सिस्टर. ये 600 रुपए का, ये भले मैंने ज्यादा नहीं पहना बट ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था. एंड आई थिंक व्हाई इट इज वर्थ द प्राइस इज बिकॉज इट्स वेरी लाइट. लाइक व्हेन यू वेयर इट, इट्स एज गुड एज नॉट वेयरिंग एनीथिंग. सो इट फील्स वेरी लाइट ऑन योर लेग. सो इफ यू गोइंग आउट फॉर पार्टी, इफ यू वांट टू डांस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दीज आर लाइक 600 रुपए भर के. अगर आपको लग रहा है कि आपने पैर में कुछ नहीं पहना है तो उसके 600 रुपए. उसको क्वालिटी बोलते हैं. इसको पहन के आप 3-4 घंटे डांस कर लो, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी. यू नो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट योर एंकल्स, इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट योर नीज, नथिंग. Very disappointed with my sister. दीजा वो 600 एंड दीजा टोटली वर्थ इट. इसकी बात होगा मत जाओ. ठीक है, अब मेरे 3 बूट्स है. अच्छा, 3 शूज है मतलब. सो इससे चालू करते हैं सबसे पुराने वाले से. शूज सबसे पुराने वाले कर सकता हूँ यार ये. ठीक है, ये सबसे पुराना वाला है. इसका प्राइस अभी नहीं पता होगा. और इसको लेके 5-6 साल हो गया ना, अभी तक इनटैक्ट है. लाइक लिटरली इन शेप, इन कलर, इन एवरीथिंग दैट इट वाज. ब्रांड का तो नहीं लग रहा है स्पेसिफिकली. मैंने ब्रांड का एक ही लिया है और मेरा पूरा
मत्था फूट गया उसका, 700 to 750 लॉक किया जाए। यस, मुझे कम लग रहा है इसलिए 450 से ज्यादा का नहीं लग रहा, फिर भी मैंने थोड़ा ठीक है। तो सेकंड वाला लेना, फर्स्ट वाला नहीं, 700 नहीं नहीं 450 to 500 वाला। एक्चुअली इसका दोनों रेंज जो था दोनों ही गलत है, इट इज इन बिटवीन दैट रेंज, तो दिस इज फॉर 600 के आसपास का है। सो ये अभी भी शायद 599 का अवेलेबल है अमेजोन पे, एंड इसका क्वालिटी इज वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी क्लासी। मैंने तो ये थोड़ा फंकी प्रिंट वाला ले लिया था कि वो इफ यू गाइस वांट टू गो अहेड एंड बाय प्लेन एंड सोबर वो भी 600 तक मिल जाएगा, बट द नेक्स्ट वन इज अ स्टील इन द सेम कैटेगरी। सो फर्स्ट लेट मी शो यू दैट एंड देन यू गाइस डिसाइड वेयर डू यू वांट टू गो गेट दोस शूज फ्रॉम। ये वाला, अच्छा तो ये तो तुमने अभी खरीदा है? हाँ, ये मेरा बहुत लेटेस्ट है, इट हैज दिस ज़िप, दिस बकल डिटेल्स एंड दिस यू नो गोल्डन व्हाटएवर दैट वेयर यू पुट दैट लेस, वो वाला डिटेल, एंड दिस इज अमेजिंग क्वालिटी, इट इज सॉफ्ट इनसाइड, इट हैज कुशन एंड इट लुक्स प्रीटी गुड, यार प्रीटी प्रीटी गुड ऑन वेयरिंग इट, बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है। नॉर्मल टी शर्ट जीन्स पहले पुट दिस शूज ऑन एंड यू आर रेडी टू Flaunt, you are ready to go. It is so amazing. Same 700 to 800 वाला रेंज में। इसकी क्वालिटी लेकिन बहुत अच्छी है। हाँ। बताओ इसका प्राइस? हाँ वही। This was one price without any bargaining. इसका प्राइस था 350 rupees. अरे, एंड मैंने इसको जैसे देखा वाज लाइक कितने का है 350, एंड उसके बाद देयर वाज नो सेकंड क्वेश्चन, मैंने बस उसका साइज निकाला और इसे लेके घर पे आ गई। आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दीज शूज, आई थिंक ये सरोजनी नगर में भी 300 रुपए की नहीं मिलेगी, आई गेस, लेट्स सी। और कमिंग टू द लास्ट फुटवेयर, एंड इसका प्राइस इसको सही बताना ही पड़ेगा मुझे, अगर इसका प्राइस सही नहीं बताया तो फिर तू ये महीने में 4-5 पैर के जूते खरीदता है, तो अगर इसने इसका प्राइस नहीं बताया तो साल भर में, महीने में, साल भर में, साल भर में नहीं, अब तो 2-3 साल में एक बार जूते खरीद लेते हैं। ये भले इसमें रिबॉक लिखा हुआ है बट ये रिबॉक का है नहीं, वो रिबॉक का है मिलन ओरिजिनल, नो यस, बट तो भी रिबॉक का कहां, वो इतने एक्सपेंसिव तो नहीं आते यार, बट वो ओरिजिनल है। शूज गाइस, स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज, 350 to 400 या 450 यार, तू अपना दिमाग बेच कर आया क्या? रीबॉक का शूज इतना सस्ता मिलता, बोल रही हूँ ओरिजिनल है तो, लेकिन तू उतना महंगा खरीदेगी ना, मैं जितने भी सब ऊंचे ऊंचे बताए सबका तूने वो गलत वो कर दिया। अरे यार, बहुत महंगा होगा तो भी 700-800 ज्यादा का नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा का उसने लिया है तो इसको चुना लगा दिया गया है। दिस शूज इज फॉर 1200 rupees, दे डोंट लुक लाइक अ 1200 rupees। इसको लेके मेरा 3-4 साल हो गए, क्या खराब तो है इसमें? हाँ तो यार रीबॉक का शूज है यार, खराबी अब तो जैसे मेरा नाइकी वाला है वो थोड़ी, वो भी थोड़ी खराब हुआ है, लेकिन ये लग नहीं, लेकिन वो लगता है महंगा, ये लग नहीं रहा है तो लगना चाहिए ब्रो, दिस इज फॉर 1200 rupees गाइस, बिलीव मी, लगता नहीं है ना। अरे लेकिन ब्रांड है यार और पेन टिकाऊ हुआ है, इसका अंदर का देखो सब कुछ कितना सॉफ्ट है, क्या शूज खरीदा है कुछ पता नहीं। मैंने ऐसे नहीं खरीदे कभी जूते, तो मैं रिबॉक भी कभी नहीं खरीदे, मैं नाइकी वाइकी के मैं अच्छे से गेस कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारे, लेकिन रिबॉक का प्राइस नहीं गेस करता। वाह वाह वाह, और रिबॉक का एक्चुअली मैं इसके चक्कर में रह गया, मुझे लगा इतना महंगा खरीदेगी नहीं कभी, तो उसके वजह से हो गया, वरना तो दैट्स व्हाई द नेम यू नो चीप चिक। फिर भी यार इतना लग नहीं रहा वो शूज 1200 वाला, शायद नया नया देखा, 1200 नहीं है, लेकिन ये भी नहीं लग रहा है, नहीं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कम्फर्टेबल है, और उसको लेकर भी 2 साल हो गया है, सो इट हैज बीन इंटैक्ट इन शेप एंड एवरीथिंग, व्हाट डन, वेट, इट हैज फेल्ड मिजरेबली इन गेसिंग द प्राइसेस। So if you guys like this video and if you guys want me to come up with similar videos, please do mention in the comment box and let me know. And if you guys like this video, do not forget to hit the like button, share it with your friends, and until next video, keep sharing love. Bye-bye.